क्लास हमने फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम में जो भी कुछ सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पर हमने सीखा कि डिफरेंट वर्ल्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट वर्ल्ड्स की डिफरेंट कंडीशन को फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा अगर दो वर्ल्ड्स फ्यूज्ड हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कैसे शो करते हैं। अगर कोई भी दो वर्ल्ड्स फ्यूज्ड हैं तो उसको हम आर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। आगे हमने सीखा फ्लोरल डायग्राम के बारे में, जहां पर हमने सीखा कि कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी कंडीशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने सीखा एस्टिवेशन के बारे में। हमने ये सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन को फ्लोरल डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इस पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस ये हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं।